बताओ भाई सबने की काय हमारा ये सब कार्यकर्ता भी जो फळ्यावाळा भी आयला छे सबने की काय राय राय बनी रही दूसरा आप जैसे 110 घर अपने पाटिल समाज के 110 घर वैसे क्यों काशीराम भाई लगभग कांग्रेस के कितने घर होंगे देखो हमारा भैया आया था पूछो दादा यहाँ प्रयास करो यार यहाँ के लोग क्या है यार क्या कमी है भैया तुम्हारे उमर वाले को मार भैया सचिन भाई हम को कुछ लफड़ो देगा जो अपना वोट से 5-10 था वो तो नहीं रहा पर फिर भी अभी अपन जो भैया मांग कर रहे हैं इनका सब ने कहे कि बाला भाई जी तुम जोड़ो और वोट दो आज हमको अपन का नहीं जाएगा कल नए वोट मिलेगा हमारी कंडीशन और पोजिशन खराब हो जाएगी बात करते हैं कि भैया सब लोग एक बच्चा सचिन भाई आप जोड़ो भैया तो पता लग रही थी कुछ काम है हमको जा जो जिनको हमने करोड़ों रुपए जो दिए ना हमको वोट नहीं पड़े ये अपन बैठ के ऐसी बात कर रहे हैं और हमने पैसे सब जगह मंदिर और मांगलिक भवनों में इसलिए दिए कि पूरा पैसा हमारा लग जाए कोई खा नहीं सके पूरा पैसा वो निकल के पंचों को मिलता है और पंच निकालते हैं और वो खर्च करते हैं और जो सांसद ने 5-5 लाख रुपए की राशि प्रतीक्षालय बनाए शायद यहाँ भी था नहीं जगह आप लोगों ने देखे वो 5 लाख भी थे मतलब 1 लाख के अंदर का था उसके 5-5 लाख रुपए निकाले हैं ये भाजपा के अगर कोई कार्यकर्ता भी बात सुन भी रहे इनमें दम है कि पार्टी में बात उनकी पार्टी को उठाई कि ये कितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं 5-5 लाख के थे वो जो छतरियां बनाई थी वो 500 बनाई है मतलब 500 मांगलिक भवन बन जाते 500 जगह वो राशियां लग जाती उसको 5 करोड़ रुपए मिलते थे ये भाजपा ही जो लोग सिद्धांतवादी बनते हैं मतलब कितना जम के भ्रष्टाचार हुआ था हमारे से राशि भी लेते और हमको वोट भी नहीं देते हमारा साथ भी नहीं देते फिर हमारे ये जैसे जो लोग जो वोट देने वाले इनका दिमाग खराब होता है